तो गाइस पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे लोग स्टाम्प पेपर का यूज करके नकली नोट छाप रहे हैं, बट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक डुप्लीकेट नोट को पहचान सकते हैं, यानी कि आप कैसे एक डुप्लीकेट पैसा को पहचान सकते हैं। आप ये जो नोट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला नोट डुप्लीकेट है, जो नीचे वाला नोट देख रहे हैं वो असली है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, तो वही इस वीडियो में जानेंगे। आप ये जो नोट देख रहे हैं, इस नोट को बैंक अधिकारी द्वारा पहचाना गया है। तो वेल, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से एक डुप्लीकेट नोट को पहचान सकते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आपको डुप्लीकेट नोट को पहचानना है तो आपको ये केवल तीन चीज़ देखना है। पहला तो ये स्टिकर, जिसे एक आम लोग बोलते हैं कि ये तांत है। इस तांत को आप देखेंगे, अगर आप इस नोट को 45 डिग्री टिल्ट करते हैं तो ये जो तांत होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। लेकिन अगर नोट नकली होगा तो अगर आप 45 डिग्री उसे टिल्ट करेंगे तो ये जो तांत होगा वो ग्रीन ही रह जाएगा, यानी कि पहले भी ग्रीन अभी भी ग्रीन, लेकिन अगर असली नोट रहता है तो वो ब्लू हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गांधी जी का फोटो। आप देखेंगे ये जो उजला वाला भाग होता है वहाँ पर क्या होता है, गांधी जी का फोटो होता है। तो आप उसे क्या करेंगे, जब लाइट के एरिया पर ले जाएंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे तो वहाँ पे गांधी जी का फोटो दिखेगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट नोट रहता है तो उसमें आपको गांधी जी के फोटो नहीं दिखेंगे। और तीसरा यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप जब नोट को 45 डिग्री टिल्ट करेंगे तो नीचे कोने में देखेंगे तो 500 लिखा दिखेगा, लेकिन वही जब डुप्लीकेट नोट होगा तो वहाँ पे 500 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि असली नोट को टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे 500 नोट दिखेगा और नकली नोट को टिल्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको 500 नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट नोट को पहचान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।